जय हिंद साथियों। तो ध्यान दीजिएगा और सब एग्जाम उग्जाम तो बढ़िया चल ही रहा होगा। ठीक, तो चलो कोई बात नहीं, जो दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा है, दीजिए, अच्छा नंबर आएगा, मेहनत करिए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, मेरा जो टॉपिक था पीछे हम पढ़ा चुके थे, वेक्टर फॉर्म पता नहीं क्या पढ़ाए थे, ठीक है, शायद कुलाम का सदिश निरूपण ही था और एक अच्छा ही टॉपिक कुछ होगा। तो आज हम चार्ज को एंड करने वाले हैं एक टॉपिक आपका बचा हुआ, वो टॉपिक मेरा है परमिटिविटी। आराम से समझिएगा, मेरे पास वही बच्चे पढ़ते हैं जो सीखने वाले होते हैं। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। सुन सब सुन प्यार की धुन, रिलेटिव एंड रिलेटिव परमिटिविटी। कोई दिक्कत है क्या? ठीक, अब समझिएगा, हम आपको बताए थे पर इसको हिंदी बोलते हैं परावैद्युत, और सारा एकदम कचरा क्लियर कर देंगे, इस परेशान मत। परावैद्युत और आपेक्षिक परावैद्युत, हो ला 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 ला। देखो इधर, रिले परावैद्युत और आपेक्षिक परावैद्युत। सब हम आप लोग को पढ़ाए थे कुलाम का नियम, ये है प्लस क्यू वन चार्ज और ये था प्लस क्यू चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच डिस्टेंस था क्या? आर। इसके बीच फोर्स लगता था इधर, इसके बीच फोर्स लगता था इधर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसके बाद हम एक फॉर्मूला लगाए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? इतना तक बताए थे, जहां के बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन। ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नोट नहीं लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां लिखना है एप्सिलॉन। इसको क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? एप्सिलॉन। बोलो बोलो मेरे साथ, एप्सिलॉन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा, एफ बराबर इतना तो क्लियर है। आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं सबसे पहले परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, तो चुटकी है, ठीक, कर देंगे खत्म। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक आपको वैल्यू पता होगा एप्सिलॉन नोट का, 8.85 गुने 10 की पावर -12 कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जिसको दिक्कत है वो जाके कुलाम का नियम देखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू होता है, ये तो निर्वात का है, इसको बोलते हैं हम, दिख रहा है ना सबको? एक सेकेंड, हो हाँ एकदम गजब दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्री स्पेस या वैक्यूम। फ्री स्पेस या वैक्यूम, कोई दिक्कत? एक और वैल्यू होता है, किसी भी मीडियम का लेके चलेंगे, यहां मान देखिएगा, जैसे हम बोल दिए एप्सिलॉन मीडियम, मीडियम बोल दिए, बोल देते हैं वाटर, जिसका वैल्यू होता है 7.12 गुने 10 के पावर -11 कूलाम स्क्वायर। 11 होता है ना कि 10 होता है? शायद 10 होता है, देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, शायद 10 से होता है। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ले लेते हैं वैल्यू, ले लेते हैं वाटर, ले लिए ग्लास का, 3.01 गुने 10 के पावर -11 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब जो मेरा है, ये सब है मीडियम, ग्लास मीडियम है, पानी मीडियम है, और नोट का मतलब क्या होता है? निर्वात में, एकदम खुला जगह पे, वैक्यूम जिसको बोलते हैं वही। ठीक है, ठीक, ये सब का जो वैल्यू होता है ये मीडियम में है। कहाँ पे है मेरे भाई और बहनों? और कुछ नहीं बोलेंगे, छोड़िए, सब समझ जाता है। ठीक, ये सब है मीडियम का वैल्यू। क्लियर, अब चलते हैं हम यहाँ से, इसको छोड़िए, आइए मेरे साथ। एफ बराबर के का वैल्यू क्या बताया अभी? 1/4 पाई एप्सिलॉन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए, एक बार हम लेके चलते हैं निर्वात में, किसमें? निर्वात में। तो चलो
फोर पाई कांस्टेंट है, नोट यहाँ लगा देते हैं, लगा दिए, बिल्कुल सही। नोट यानी निर्वात में हम इसको चले हैं तो बल भी हमको निर्वात में एक बार देखना पड़ेगा। तो एक बात मेरे साथ देखिए, तो यहाँ है पावर में 10^-12, क्लियर है। यहाँ पे है पावर में 10^-10, 10^-11, क्लियर हुई बात। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, तो सबको पता होना चाहिए। अच्छा इधर देखो, -4 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तब बोलिएगा सर जी -1 बड़ा है, -4 छोटा है। बात तो समझ में आ गई इतना। तो क्या कंक्लूजन निकला, जब भी किसी मीडियम में चलेंगे, किसी भी मीडियम में चलेंगे तो निर्वात से हमेशा मान ज़्यादा ही होगा वैक्यूम का, क्योंकि ये माइनस में कम है, तो माइनस में जितना कम उतना ज़्यादा। क्लियर हुई बात? हाँ सर, तो क्लियर हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, ये है नोट, यहाँ है वैल्यू 10^-, आगे छोड़िए कुछ और है, 10^-10, 10^-11, देखिए तो -12 से ये सब ज़्यादा, ये ना जितना कम में जाएंगे उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो हाँ, तो समझ में आया, तब क्या हो जाएगा, ये वाला कम ना हो जाएगा, तो ये सब ज़्यादा होगा, यानी जितना माइनस में ज़्यादा उतना कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निर्वात में परावैद्युत का मान ज़्यादा होता है, क्लियर, क्योंकि खुला जगह पर, खुला जगह पर, बात समझ में आ रही है कि कुछ गलत है, गलत है, यस। निर्वात में जितना ज़्यादा उतना कम, माइनस में, यानी निर्वात में परावैद्युत का मान कम होता है, क्लियर। तो निर्वात में बल क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी खुला जगह पर अच्छा से उठम पटकी हो जाता है। अगर छोटा जगह दें तो एकड़ देह इन्ने रग रहेगा, एकड़ देह इन्ने रग रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना खुला जगह पर हम चलेंगे उतना बल ज़्यादा लगेगा, क्लियर हुई कॉन्सेप्ट, ठीक। तो देखो ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना यहाँ से, यानी क्या, निर्वात में बल ज़्यादा लगता है, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्वात में परावैद्युत का मान कम होता है, क्लियर हुई बात। दूसरा पॉइंट अब चलते हैं, 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन। यदि आप पहले से नोट लिखते हैं तो आप गलती लिखते हैं, आपको टीचर पढ़ाया गलती है, ठीक। नोट नहीं लिखना है, एप्सिलॉन लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी हम पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में एप्सिलॉन है, क्लियर। तो ध्यान देना, तो अब चलते हैं मीडियम में, तो जब हम परावैद्युत को माध्यम में लेके चले हैं तो बल को भी माध्यम में लेके चलना पड़ेगा, क्लियर। दिख रहा है ना सबको, एक सेकंड, एकदम गजब दिख रहा है, ठीक। तो अब देखिए, ये माइनस में जितना कम उतना ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी, चाहे वाटर में लेके चलिए, ग्लास में लेके चलिए, कुछ में लेके चलिए, परावैद्युत का मान ज़्यादा होता है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, माध्यम में बल कम होता है, क्लियर हुई बात, ठीक। किसी भी मीडियम में चलने पर उसका बल का मान कम हो जाता है। इन दोनों आवेश को यदि निर्वात में रखेंगे तो उसका बल ज़्यादा लगेगा इन दोनों के बीच, उसी को किसी मीडियम में डाल देंगे तो बल कम लगेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, यदि हम ले रेशियो एफ नोट यानी निर्वात में बल और माध्यम में बल का, क्लियर। तो ये देखो, ऊपर ऊपर ऊपर, कोना कोनी कोन कोना, ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, ठीक। यानी माध्यम का परावैद्युत बढ़ाने पर निर्वात का बल बढ़ेगा, क्लियर। निर्वात में परावैद्युत का मान बढ़ाने पर माध्यम का बल बढ़ेगा, क्लियर हुई कॉन्सेप्ट। अब देखो, इन्हीं सब चीज़ से बचने के लिए एक आया और, जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, क्लियर। क्या चीज़, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक परावैद्युत, आपेक्षिक परावैद्युत परमिटिविटी को लिखते हैं एप्सिलॉन से, क्लियर। पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, पढ़ते हैं एप्सिलॉन, बोलते हैं परमिटिविटी और लिख देते हैं आर। इसका मतलब हुआ रिलेटिव परमिटिविटी, क्लियर। तो बोला जाता है इसका परिभाषा, माध्यम का परावैद्युत और निर्वात के परावैद्युत, माध्यम का परावैद्युत और निर्वात के परावैद्युत के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युत कहते हैं।
क्लियर हुई कॉन्सेप्ट। इन्हीं सब चीज से बचने के लिए आपको ये दे दिया कॉन्सेप्ट कि माध्यम का परावैद्युत और निर्वात के परावैद्युत के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युत कहते हैं। उम्मीद है एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। जिस बच्चे को समझ नहीं आए कमेंट में बताइएगा, ठीक है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका ही तो ये है चैनल, छोटा सा चैनल जो आपके सहयोग से चल रहा है, इसलिए आप इसको शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।